क्रिकेट के दीवाने मौजूद है और शॉट मार रहा है और पुल बन रहे, ब्रिज बन रहे दरिया के ऊपर। और ये यहाँ पर पाकिस्तान में सबसे जो बड़ा पुल है अटक पुल का, पुल बनने जा रहा है जो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा पुल। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है सब ठीक ठाक मजे में होंगे। तो आज एक मरतबा फिर आपको केपीके ले चलते हैं, क्योंकि इससे पहले हमने जो व्लॉग आपसे शेयर किया तो काफ़ी पसंद किया जा रहा था। और दूसरी बात यह कि मुकम्मल व्लॉग इसलिए शेयर नहीं किया कि वो व्लॉग कुछ हद से ज़्यादा बड़ा था, और हमारे कुछ दोस्त हैं जो कहते हैं कि भाई आप इतने बड़े यूट्यूबर नहीं हो कि आप इतने बड़े बड़े व्लॉग बना के शेयर कर देते हो। हम तो इतने बड़े व्लॉग फिर भी आपके खातिर देख लेते हैं, लेकिन आपके जो और फैन है वो इतने बड़े व्लॉग नहीं देखेंगे, आप एक छोटे यूट्यूबर हो। तो इसलिए आप 5 से 6 मिनट, हद से 7-8 मिनट का व्लॉग बना लिया करो तो फिर हर बंदा देखेगा। तो खैर वो व्लॉग फिर भी मैंने 15 मिनट का शेयर किया और काफ़ी हद तक वो लोगों ने पसंद किया। केपीके कनार शरीफ तोरघर का केपीके का व्लॉग था कनार शरीफ का, तो उसका एक आखिरी हिस्सा आज हम आपसे फिर शेयर करने वाले हैं। और उम्मीद है कि पहले की तरह ये भी आपको बहुत ही पसंद आएगा, क्योंकि वो व्लॉग जो था कनार शरीफ के, उसमें बहुत से लोगों ने अच्छे अच्छे कमेंट भी किए थे। और उम्मीद है आप लोगों से कि इसमें भी आप अच्छे अच्छे कमेंट करोगे। तो ये मेरा जो केपीके का टूर था, तो उस टूर के ये आखिरी व्लॉग है। और इस आखिरी व्लॉग के बाद एक और व्लॉग में आप के लिए अपने व्यूज़र के लिए बना रहा था, लेकिन अफसोस के साथ उस टाइम पे मेरा एक वहाँ पाँव फिसल गया और काफ़ी नुकसान पहुँचा मेरे मोबाइल को। दो मोबाइल है, एक ये वाला मोबाइल जिसमें मैं व्लॉग बनाता हूँ इसको भी नुकसान पहुँचा, एक छोटा मोबाइल था, और काफ़ी सारी चीज़ें थी जो तकरीबन ख़राब हो गई है। तो खैर हमारा ये टॉपिक नहीं है, और ये वही जगह है जिस पे हम आपके लिए लास्ट व्लॉग बना रहे थे लेकिन वो मुकम्मल नहीं हुआ। तो चलें अभी आपको इसी व्लॉग का हिस्सा पार्ट 2 दिखाते हैं। एक मरतबा फिर आपको कराची से, एक मरतबा फिर कराची से केपीके और केपीके का ज़िला तोरघर और ज़िला तोरघर का खूबसूरत तरीन व्यू कनार शरीफ। कनार शरीफ में इस वक्त पुल भी बनने जा रहे हैं और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। और इसमें जिस टाइम पे हमने ये व्लॉग शूट किया था तो उस टाइम पे इस पुल का इफ्तिताह तो हो चुका था, ऐसा ऐसा कुछ काम हो रहा था, अभी काफ़ी काम हो चुका है इस पे। तो आइए एक मरतबा फिर आपको ले चलते हैं केपीके ज़िला तोरघर और ज़िला तोरघर का मारूफ तरीन और खूबसूरत तरीन व्यू आपसे शेयर करेंगे कनार शरीफ। और ये मस्जिद जाने से पहले बच्चों का क्रिकेट मैच भी आप देख सकते हो। ये देखें शाहिद अफरीदी बैट्समैनिंग कर रहा है, और ये कश्ती भी आ चुकी है। ये देखें यहाँ भी क्रिकेट के दीवाने मौजूद है और शॉट मार रहा है, और कश्ती का व्यू भी आपसे करवाएंगे। और कश्ती पहुंच चुकी है और ये कश्ती आ रही है। ये मंजर और व्यू आप चेक करें, ये सामने मस्जिद है, करीब से आपको व्यू करवाएंगे। ये तो अभी हम लोग उस चश्मे से आए, और ये कहाँ आके रुकती है ये देखें, इंजन ये बंद कर चुका है और ये किनारे पे लगने वाली है, और ये किनारे पे लग चुकी है। हम जिक्र कर रहे थे इस मस्जिद का, हसन जई कनार शरीफ की ये मस्जिद है और तारीखी मस्जिद है। ये आप देखें, नज़दीक से भी इसके व्यू आपसे शेयर करेंगे। ये कनार शरीफ की मस्जिद है, और इस वक्त हम एक पुलिया पे खड़े हुए हैं और उसी चश्मे के पास खड़े हुए हैं। चश्मा अब दूर रह गया है, तो मुकम्मल वीडियो आपसे शेयर करेंगे मस्जिद की, और फिर आपसे इजाज़त चाहेंगे, तो हमारे साथ रहिए। ये कश्ती जो आई है इसमें कुछ बाहर के लोग थे, तो कुछ गाइड करेंगे कि ये क्या क्या करने हैं, ये तो बाहर के लोग मालूम हो रहे हैं।
और इनके हाथों में फाइलें वगैरह भी है, तो इसके बारे में कुछ गाइड करें हमें। ये यहाँ पर तो पुल बन रहे, ब्रिज बन रहे दरिया के ऊपर, और ये यहाँ पर पाकिस्तान में सबसे जो बड़ा पुल है अटक पुल कहा जाता है। ये कहा जा रहा है कि इससे बड़ा पुल होगा, ब्रिज जो है सबसे पाकिस्तान में बड़ा होगा और ऊंचा भी है, लंबा भी बहुत है। आप सामने दिखाइए, ये कहाँ से शुरू हो रहा है? ये ऊपर से शुरू होगा, यहाँ से शुरू हो रहा है, ये कनार शरीफ वो सामने जाएगा। ये मस्जिद, ये आप मस्जिद देख रहे हो, थोड़ा फोकस करते हैं, ये मस्जिद है सही है। और ये वकास यहाँ से जी कहाँ से ये जो ऊपर तरपाल रोड से जाएगा, ये और जूम कर लेते हैं, ये यहाँ से शुरू हो रहा है। और ये जो यहाँ से लोग आए हुए, अब ये कश्ती में जो लोग आए हुए हैं, तो अच्छा ये वहाँ जाके इसका सिरा, अच्छा उस साइड पे कौन सा गांव जी, उस साइड पे पहुंचेगा, उस साइड पे कौन सा गांव है, ये कौन से गांव के साथ? न्यूगढ़ी है, न्यूगढ़ी हसन जय, न्यूगढ़ी हसन जय पे टच होगा। और थोड़ा करीब करते हैं, ये यहाँ से पुल स्टार्ट होगा और ये सामने न्यूगढ़ी हसन जय पे। तो इस बात का तो हमें इल्म था कि हमारे इस इलाके जिला तौरघर में कनार शरीफ के करीबी एक पुल बनने जा रहा है, जो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा पुल कहलाया जाने वाला है। और इसकी ऊंचाई भी हर उस पाकिस्तान के हर पुल की ऊंचाई से बहुत ही बड़ी ऊंचाई होगी। ये पहला पुल होगा जो रकबे के हिसाब से और ऊंचाई के हिसाब से एक बहुत बड़ा पुल कहलाया जाएगा। तो ये भी आपसे शेयर किया, मस्जिद के बराबर में इसका काम जारी है। और ये कश्ती, इसमें जो लोग आए हैं तो वो यहाँ के जो ठेकेदार वगैरह काम करने के सिलसिले में आए हुए हैं। तो ये भी एक आपसे एक मालूमात थी जो आपसे शेयर की। और अब चलते हैं मस्जिद के तरफ, और ये मस्जिद है, इस मस्जिद के करीब हम जाएंगे। मस्जिद के करीब पहुंच चुके हैं और आपको दिखाते हैं कि मस्जिद इस वक्त, इस मस्जिद में एक तामीराती काम भी शुरू है। और ये आप दिखाएं, हम दिखाते हैं आपको, ये तरबेला डैम का पानी है सही है। और इसके साथ मस्जिद देखें, ये कहाँ खड़ी हुई पानी के बीच में, ये देखें, ये कनार शरीफ की मस्जिद है और तारीखी मस्जिद है। इस वक्त बिल्कुल पानी के अंदर, और मेरे ख्याल में ये जजीरा है, जजीरे के ऊपर बने। वकास, क्या ये किसी जजीरे पे तामीर हुई है क्या? नहीं, नीचे वो पत्थर वगैरह जो पहाड़ है उसके ऊपर है। हाँ, तो जजीरा हुई है ना। हाँ, तो ये जजीरे पे बनाई गई है। और ये देखें आप, पानी में डूबी है, और ये मुकम्मल व्यू। और इस टाइम नमाज का भी टाइम है, नमाजी भी आ रहे हैं, तो करीब से दिखाने की कोशिश करेंगे। ये देखें मस्जिद, इसमें तामीराती काम जारी है। तो भाई, मस्जिद का भी विजिट करवाया आपको, नहर का, और जिस तरह मीठा मीठा पानी और ठंडा ठंडा पानी, पूरा भी लोग आपसे शेयर किए। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दें, कुछ नहीं होता है भाई, कर दिया करें। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।